अल्लाह इतवार के रोज़ हसन निसार के साथ आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक मैं हूँ मारिया मीमन हफ्ते भर की खबरों पर हम खास खास तजिया लेते हैं हसन साहब का लेकिन आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे आरफा करीम से वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं यूजली हम प्रोग्राम के शुरू में ई मेल्स ऐड नहीं करते लेकिन आज मैं अमित की ई मेल ऐड करना चाहूँगी हसन साहब जो कि सिलिकॉन वैली से आई है और उन्होंने आरफा की वफा पर बहुत ज़्यादा दुख का इजहार किया उन्होंने कहा कि आरफा करीम सिर्फ पाकिस्तान की बेटी ही नहीं थी टेक वर्ल्ड और इंसानियत की बेटी थी और पाकिस्तानी में अकेले नहीं है मैंने तो आपको पता है अपील भी किया था मैंने अपने कॉलम में भी मैं तो बहुत ज़्यादा कल रात से ना मुझे इसका एक खास डिप्रेशन है बहुत ज़ाती नुकसान की और बहुत बड़ा नुकसान बहुत बड़ा नुकसान तो उसको ऑनर करने के लिए हमें बहसीत कॉम क्या करना चाहिए कुछ लोगों की तजावीज़ थी कि हमारे यूथ को उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए और ऐसी बच्चियाँ और ऐसे बच्चे यही एसासा है ये जो बड़े बड़े बेटों और

अरे मुझे एक बात बताएं कि मेमो से किसी का पेट भरता है और दूसरा एन आर ओ से अगर किसी के बच्चे को तालीम मिलती हो तो बात ये लोगों के इश्यूज नहीं हैं ये जो आ, पेट भरे सांप टाइप लोग ठीक है वो इस सलामती को खतरा हर कदम पे तो हमें ख़तरा है कभी इस्लाम ख़तरे में होता है कभी पाकिस्तान ख़तरे में जब से होश संभाला हमने ख़तरे खतरे देख रहे हैं अस, असल इश्यूज की तरफ तवज्जो नहीं बदकिस्मती से किसी की भी ये कुछ लोगों का खेल है वो खेलते रहे लेकिन वो कहते हैं जी कौमी सलामती दाव पर अगर कौमी <coughs> सलामती होगी तो भूख बातें बाद में आती कौमी सलामती कौम दाव पे है और मसलसल दाव पे लगी भी है उसका कोई पुरस् हाल नहीं है कि इनको कोई इलाज मिले इनको मुफ्त इज्जत पर तो पैसे नहीं लगते वर्ल्ड बैंक से तो नहीं लेनी पड़ती आई एम एफ से तो नहीं मांगनी पड़ती आप तो अपने आम आदमी को इज़्ज़त भी नहीं दे सकें उसको भी आपने पटवारी के और थानेदारी के कदमों में फेंका हुआ है आपने इसी पॉइंट पे आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ कुछ दिनों पहले अखबार में वो तस्वीर छपी थी और वो हमारी पूरी मेरे खाली कौम की बहसियत मजमू एक शक्ल बताती है ये है असली पाकिस्तान मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये भूखा आदमी ये मेमो खा रहा है ये एनआरओ खा रहा है ये गुड गवर्नेंस से पेट भर रहा है इस तस्वीर को बड़ा करके मेरा बस हो हर सियासतदान के बिलावल हाउस से ले कर जाती उम्र तक मैं लगाऊं पार्लियामेंट में ये तस्वीर लगे ये प्रेसिडेंट हाउस में ब्लो अप करके लगे ये प्राइम मिनिस्टर हाउस इनको शर्म आए इनको कोई है आए दिस इज द ट्रू पिक्चर शर्म आनी होती तो ये जाके बाहर के लोग बाहर के अखबारों में इंटरव्यू ना देते बाहर का अपना अपना किबला ना बनाते बाहर अपने कॉलम्स लिख रहे हैं उनको वाम का कुछ लेना नहीं उनके पावर का कोई शायद मंबाई कुछ और है उनके यहाँ लगता है ही नहीं उनकी प्रायोरिटीज़ में है नहीं ये जो लोग इन सबसे मुतनफ़र के तीसरी कुत की तरफ देख रहे हैं और उधर बिल्कुल सैलाब के रेले की तरह उस तरफ लोगों का रुझान है तो उसकी सिर्फ एक वजह है लोग इनसे बाकायदा नफ़रत करने लगे हैं अब इनकी हरकतें इनके करतूत और फिर इनकी बातें इतना नंगा तजाद है उनमें कि कराहत आती है। इनको, है इनको कीमत देनी पड़ेगी मेरा ईमान है इनको कीमत देनी पड़ेगी इग्नोर्ड अवाम के दम पे बयान देते हैं वजी साहब का बयान था कि जब अजाब आया तो हम आवाम की तरफ ही जाएंगे उनकी तरफ वापस देखेंगे आवाम के पीछे खड़ी होगी फिर इस तरह के ट्रीटमेंट के बाद शेर है बड़ा दिलचस्प गली गली में हुआ मेरी हार का ऐलान ये कौन जाने कि मैं तो बसात पर ही ना था अवाम बेचारे सिर्फ आई डी कार्ड नंबर हैं जो इस्तेमाल होता है लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है मेरा ख्याल है वो हद आ गई है रहमान मलिक साहब का बड़ा दिलचस्प बयान उन्होंने कहा कि मियाँ साहब के बारे में मेरे पास ऐसी इन्फॉमे है मैंने अगर वो डिस्प्ले कर दी एक्सपोज कर दिया उनको तो वो नााह हो जाएंगे आपका क्या ख्याल है कि अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन है और रहमान मलिक साहब नहीं दे रहे तो मैं समझता हूँ वो गद्दारी का कर रहे हैं या वो अपना ये बयान वापस लें इसका मतलब है कि वो लोगों से इतनी अहम बात छुपा रहे हैं या आप मेरी बात समझ रहे हो अगर कोई इस तरह की बात या तो उन्होंने बात बरए बात कर दी है जो हमारे सियासतदानों का रूटीन है अगर इस बात में दम है तो उनको आगे आना चाहिए वरना ये अवाम के साथ धोखा है साहब ब्रेक लेते हैं जब वापस आएंगे तो कुछ और ईमेल्स शामिल करेंगे और आपका जो एक थीसिस है उस पर भी हम बात करेंगे हमारे साथ रहें देखते रहें मेरे मुताबिक वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक और हसन साहब जो कि आप साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं और बहुत फॉलो करते हैं कि दिलचस्प खबर आपके साथ मैं यहाँ शेयर करूंगी टेक्नोलॉजी में एक नया इनकलाब कहते हैं दो हज़ार सरह तक इस तरह की मशीन वो डिस्कवर कर लेंगे ख्याल जिससे जान सकेंगे सोचे कैसी दुनिया होगी उसके बाद अगर एक पता चल रहा है लोगों के ख्याल बड़ी दिलचस्प बात है पॉलिटिशियंस को बुलाएं लाइन लगा लें इनकी और उस, उस मशीन के नीचे से गुजारें या उसके सामने खड़ा करें उसके ना टाइप चीज़ होगी अच्छा एक ये दुनिया बहुत तेज़ी से तब्दील कभी आप गौर करो आज से सत्तर अस्सी साल पहले ये दुनिया कैसी थी ना लाइट थी हती कि नलका तक मौजूद नहीं था ट्रैक्टर्स नहीं थे टीवी वी तो कल की बातें हैं ना सारी और एक बात मैं आपको बताऊं कि जो इजादात होती हैं वो एक तो होता है इंसान का फिजिकल सेल्फ आप जैसे नज़र आ रही हैं बैठी हुई मैं नज़र आ रहा हूँ एक फ़िज़िकल सेल्फ है हम लोगों का एक इमोशनल सेल्फ है एक कल्चरल सेल्फ है एक साइकोलॉजिकल सेल्फ है इंसान का इंसान बहुत से हिस्सों में बटा हुआ है उसका एक स्पिरिचुअल सेल्फ है ये हर नई ईजाद जो है वो बराह रास्त इंसान के हर सेल्फ पे असरअंदाज होती है जिसमानी तौर पर हम समझ रहे हैं कि एयर कंडीशनर चल रहा है अगर तो वो फिजिकल सेल्फ पे तो नजर आ रहा है उसका असर लेकिन जो आपके स्पिरिचुअल इमोशनल साइकोलॉजिकल कल्चरल आप देखें जब टीवी नहीं था तो टीवी लाउंज भी नहीं था टीवी आया उसके पीछे टीवी लाउंज आया उसके पीछे एक पूरा कल्चर आया है सो so, जिस तरह तेजी से इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है उसकी जिंदगी बहुत अजीब वरीब सौ साल बाद के लोग हमारी जिंदगी पे हंसा करेंगे कि ये किस तरह जिंदा थे अच्छा आपका क्या ख्याल है कौन सी ऐसी है जिसे रेवोल्यूशनाइज़ कर दिया है याद या आप, आप, इंसान की औकात नहीं है एटम तो मौजूद था ना इंसान ने तो रास कुदरत का एक राज था एक पहेली थी जो बूझी जो आम तौर पे ये कहा जाता है कि सबसे बड़ी डिस्कवरी इंसान की पहिया है ये गलत है अच्छा। इंसान की सबसे बड़ी डिस्कवरी उसके दो हाथ हैं इंसान जब चौपाए से दो पाया हुआ टांगों पे खड़ा हुआ और हाथ उसके आज़ाद हुए तो ये उसने डिस्कवर किया कि ये जो दो औज़ार हैं ये जो दो हथियार हैं पहिया तो फिर हाथों से बना ना सो सबसे बड़ी डिस्कवरी इंसान की उसके दो हाथ हैं अच्छा और ईमेल्स शामिल करती हूँ इसराइल के ऊपर हमने इशू पे पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा बात की थी एक इंकरेजिंग साइन यह हसन साहब के बहुत ज्यादा लोगों ने उस बात को अप्रिशिएट किया दो ई मेल्स हैं जो मुखालफत में आई है और उनका भी मैं लॉजिक आपको बताती हूँ ई मेल उन्होंने की उन्होंने कहा कि ठीक है मैं मानता हूँ कि अगर हमारे इसराइल से ताल्लुक कायम हो गए हमारी इमेज बेहतर होगा ट्रेड ऑप्शन हो जाएंगे लेकिन क्या फिर हम अपने फलस्ती बहन भाइयों की आंखों में आंखें डाल के देख सकें जिंदा रहने का जीने का इस ग्लोबल वर्ल्ड में ये तरीका नहीं है चीन से ही सीख लो चीन से बड़ी रिश्तेदारी और दोस्ती जिताते हो ना ये इस तरह नहीं है ठेकेदारी भी नहीं यासर अरफात ने कभी घास नहीं डाली कश्मीर इशू पे आपको सद्दाम हुसैन हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहा भाई ठेकेदारी नहीं दुनिया है वो भी रह रहे हैं आपके उसको रेकगनाइज़ करने से वो ख़त्म नहीं हो रहा वो अगर आपको रेकग्नाइज़ नहीं करता तो अलहदुल्ला आप फिर भी कायम हैं सो ये दुन... और ये बहुत पॉजिटिव साइन है अगर आप जो आप बता रहे हो कि ई में लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है ये इस बात को इंडिकेट करता है कि कौम तेज़ी से समझदार हो रही है बालग हो रही है

वो आप डिटर्मन करती है दुनिया में कि आपके साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए जैसी आपकी हरकतें होंगी वैसा ही आपको सलूक सहना पड़ेगा अच्छा जहाँ तक तल्लुक है इंडिया और पाकिस्तान का स्टॉक तो बेसिकली एक ही है एक बुनियादी फ़र्क जो बहुत ही ऑबियस है वो ये कि वहाँ डेमोक्रेसी रही है वो भी गेंगलैंड डेमोक्रेसी अच्छा हमारे यहाँ या फौज की हुकूमत थी या फिर फौज की हुकूमत थी वो कभी स्टेयरिंग पे आ जाते हैं कभी वो कहते हैं कि अच्छा भाई गिलानी साहब तुम गाड़ी चलाओ भी एलेवन आई पीछे लेट के आराम कर लें तो इस तरह की सूरत हाल है अभी तक हमारी तो सम का ही तय नहीं हो रहा हमारी तरजीहत का ही तय नहीं हो रहा आज तक यही समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क का असल असासा क्या है एटम बॉम असासा है या आवाम इस मुल्क का असाशा है ये सिक्योरिटी स्टेट है या ये वेलफेयर स्टेट है अभी तो कुछ भी डिसाइड नहीं हो चौसठ साल बाद नहीं साल भी, ना, अभी तक कुछ नहीं एक... का तय है पहुंचना कहा है जाना कहाँ है रास्ता कौन सा होगा सवारी कैसी होगी नहीं पता एक आवाज कालोचि से शामिल करते हैं हबीबुल्ला साहब की उन्होंने आरफा करीम की रहलत पे बहुत ज्यादा अफसोस का इजहार किया उन्होंने कहा लेकिन बलोचिस्तान में भी रोज रोज वो लाशें उठा रहे हैं अपने प्यारों की सूरत हाल खराब होती जा रही है क्या क्या लगता है खान में क्या हुआ ये पूरे मुल्क में एक इमरजेंसी सी लगी हुई है और बहुत से ऐसे लोग देखें बात सुने जब गोली चलती है जब बम फटता है तो उसका शोर बहुत होता है जो भूख के हाथों बेरोजगारी के हाथों या अब दूसरे दिन आप खबर पढ़ते हो बेरोजगारी का घाटा पड़ गया कारोबार में नुकसान हो गया कर्ज़ नहीं चुका पाया ख़ुदकुशी कर ली ये चूँके खामोशी से मर जाते हैं इसके पीछे कोई ब्लास्ट नहीं होता अच्छा जो मसनू दवा के हाथों मर जाता है वो वो मौतें हमें दिखाई नहीं देती यहाँ तो कत्ले आम कतल तिफना की मुनादी हो रही है शहर में माम मुझे भी मिसले मुसा तू बहा दे नहर में यहाँ तो ये यह हाल है अच्छा ब्रेक पर जाने से पहले का एक कामेंट शामिल करेंगे उन्होंने कहा कि आप इतने मसायल की निशानदेही करते हैं वो मसले नहीं है इस मुल्क का सिर्फ एक ही मसला है ब्लडी सिविलियंस जो है वो हर मसले की जड़ है इस मुल्क में अग्री करेंगे आप उसकी बात से नहीं कॉम जैसी देखें बात सुने लीडर टीचर के तो की तरह होता है ये जो छछुर मकबूलियत के पीछे भागते हैं ना ये लीडर नहीं होते ये मदारी होते हैं ये जोकर होते हैं लीडर होता है टीचर की मानंद जिसका जिसकी निगाह पॉपुलैरिटी पे नहीं होती अपने बच्चों के मुस्तकबिल होती बहुत से टीचर्स जो हमें स्कूल में बुरे लगते थे आज उनकी तस्वीर मेरे घरों में तस्वीरें हैं मेरे उन टीचर्स की ठीक है पॉपुलैरिटी नहीं वो कार वो बताता है कि जीना कैसे है तुम्हें क्या चाहिए जिंदगी में तुम्हारे टारगेट्स क्या होंगे तुम्हें किधर फोकस करना है सो so, वो चुके नहीं हुआ तो इसीलिए ये हजूम है जी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगु का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे देखते रहे मेरे मुताबिक बैक टू मेरे मुताबिक हसन साहब एक बड़ी ही दिलचस्प फीमेल हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे ये पवन दुरानी है मकबूजा कश्मीर सिंह का ताल्लुक कश्मीरी पंडित बड़ा, बड़ा दिलचस्प नाम है पवन दुरानी, 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 बड़ा खूबसूरत नाम है वो आ, उनको हिजरत करनी पड़ी वहाँ से जो वहाँ पे हालात हैं उनका कहना यह है कि जब सिख पाकिस्तान आते हैं अपनी मजहबी रसूमा अदा करते हैं ज्यारत करते हैं इन कश्मीरियों का एक, एक, एक मकाम है शारदा पीठ जो कि पाकिस्तानी कश्मीर में कहते वीजा के कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं कि हम वो महरूम रह जाते हैं उसकी वजह से कब ये दूरियाँ खत्म होंगी इन लोगों की एवरी डेज सही कहा किसी ने कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता और शायद मैंने इसमें थोड़ा एक इजाफा किया है कि शायद इनकी खोपड़ियों में मगज भी नहीं होता ये दुनिया तेज़ी से तब्दील हो रही है ये दुख की बात है बहुत जो इन्होंने पवन दौरानी साहब ने जो कहा सिर्फ़ इनका ही नहीं है सिर्फ कश्मीरियों का रोना नहीं है पूरा कराची एवरी सेकेंड होम बल्कि मेरा ख्याल है हर घर उनके बेशुमार रिश्तेदार हिंदुस्तान में लोग तरसते मर जाते हैं मिल नहीं पाते हैं तो ये तो हुक्मरानों के सोचने के काम हैं लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके ये बारे में नहीं हैं ये दुश्मनियाँ फरोख्त करते हैं कारोबारे कारोबारिंग के सिलसिले में जाना होता है बाहर जा रही थी सुंदर स्टेट रोड पर से जाने का इतफाक हुआ इतनी टूटी फूटी वो रोड थी इतना इम्पोर्टेंट वो हमारा एरिया है जहाँ पूरी हमारी के एक तरीके से लेकिन वो चूँकि परवेज अलाई साहब का प्रोजेक्ट था इसलिए अच्छा हैं भोंडे हुकुमरान हमारे ये चमकते जाएंगे माल रोडें जेल रोडें ब्रिज बना दो फ्लाई ओवर बना दो अंडर पास बना दो ये ये मखसूस एरिया है मेन बुलोबार्ड पे जोर है फलां सड़क पे उधर धड़ा धड़ थोपे जा रहे हैं अब नहर के किनारे करोड़ों रुपये आप बर्बाद कर रहे हैं ये लोहे के जंगले लगा के खुदा पहले होता था वो गाड़ी वो स्लिप हो गई अगर वो या नहर में गिर गई या वो कच्चे में जा कर गिर गई अब जो अल्लाह माफ़ करके ना खास्ता कुछ ज़रा कुछ स्लिप किया वो करोड़ों रुपया बर्बाद कर रहे हैं इस्तेमाल हो रहा है धड़ाधड़ थोक के भाव सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट वाली जिस सड़क की आप बात कर रहे हो वो अन रोड है चालीस चालीस फुट का कंटेनर वहां से गुजरता है जिस दिन उलट गया जितने लोग मारे जाएंगे ये उनके कातिलों के। ये उनके कातिल होंगे इन्हीं चंद सड़कों को सजाए जा रहे हैं थोपड़ा सजाए जा रहे हैं बाकी सारा जिसम गंदा है शहर से किसी तरफ भी ये सुंदर नहीं किसी तरफ भी जरा जूही निकलो एक और पाकिस्तान है जैसे किसी फॉरेनर ने कहा था इस्लामाबाद से निकला तो उसने कहा कि इस्लामाबाद ख़त्म होता ही एक नया पाकिस्तान शुरू हो जाता है एक और खबर जिसकी आप की तरफ आपकी तवज्जो लम्हा फिक्री है कराची में मंगू पीर में एक चर्च था वहाँ पर इबादत हो रही तो लोग वहाँ अंदर घुस गए उन्होंने कहा कि हमारी इबादत तुम्हारी वजह से अफेक्ट हो रही है और काफी लोगों को हरासा किया गया ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद इतनी ना आई हो लेकिन इस पर आवाज़ उठाना यहाँ जरूरी है हमारे एक सूफी शायर का बड़ा खूबसूरत है अगर समझ आ जाए ऐ राम रहीम ते मौला की गल समझ ली ते रौला की हम सब पूज उसी को रहे होते हैं जो खाले को मालिक है बाकी अपनी अपनी अकल का मामला है इबादतें इस तरह तो नहीं इबादत से इबादत में खलल तो सुबहान अल्लाह मैं क्या तबसरा करूं उसमें एक और खबर जो शामिल करेंगे सरगोदा में सौ रुपये रिश्वत के मुकदमे का 21 साल बाद फैसला हुआ और उसको एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया स्पीडी जस्टिस अच्छा सौ रुपया रिश्वत तो लगा 21 21 इयर्स ठीक है इससे अंदाजा लगाएं जिन्होंने बिलियन ऑफ डॉलर खाए हैं उनके बारे में भी फैसला को डेढ़ दो हजार साल बाद ही आएगा इस मुल्क में इक्कीस साल बाद सौ रुपए का की रिश्वत ठीक है और सजा हुई तो जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स बार मौजूद हैं उनका आप सोच लो उन, 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 उनका जो है मंतकी अंजाम

जो इम्तजाज से जो चीज़ जन्म लेती है यह सब में इंसान के अशरफ अमखलूक़ात के दर्जे से तो दो चार दर्जे नीचे की मखलूक है इनके नज़दीक या जो अरब जो अभी आपने तस्वीर दिखाई है उस बूढ़े की ये देखने के बाद ये इन हुक्मरानों में से कौन किस तरह खाना खाता होगा लेकिन ये ये तो इतने बेहिश लोग हैं कि तबाही मची हुई थी सैलाब की एंजलिना जूली जस्ट एन एक्ट्रेस वो परेशान हो गई देख के कि ये कितने कितने कोर्स के ये डिनर फटका रहे हैं और लोग भूखे नंगे प्यासे बैठे हैं तो वो जिद हो गई थी देख के इनकी डाइनिंग टेबल देख के वो परेशान हो गई थी एक एक्ट्रेस जितनी भी हया नहीं है इनमें साहब अभी तो प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है हम बार बार आवाज़ उठाते रहेंगे शायद कोई फर्क पड़ जाए लिखना ना भूलिएगा एम एम पर अपना ख्याल रखें खुदा